नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पेरेंट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे लवबर्ड जो हैं किस उम्र में ब्रीडिंग करते हैं। हाँ दोस्तों, किस एज में हमारे लवबर्ड जो है ब्रीडिंग करते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूजिंग रहते हैं कि हमारे लवबर्ड किस एज में ब्रीडिंग करेंगे और कब जाकर के अंडे बच्चे आएंगे। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था और काफ़ी लोग मुझसे मैसेज के द्वारा और कमेंट के द्वारा पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि बजरी का तो मैंने आप लोगों को बताया कि बजरी किस उम्र में ब्रीडिंग करती है। ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपको बजरी का नहीं पता कि बजरी किस उम्र में ब्रीडिंग करती है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। बजरी किस उम्र में ब्रीडिंग करती है वो आप लोग पता कर सकते हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ लवबर्ड्स किस उम्र में ब्रीडिंग करते हैं। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही सारी बातें कन्फर्म कराऊंगा कि लवबर्ड जो किस उम्र में ब्रीडिंग करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि लवबर्ड जो हम लेकर के आते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई 13 महीने में ब्रीड करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 1.5 साल में ब्रीड करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 1 साल में ब्रीडिंग करते हैं। पर उनको प्रॉपर एज नहीं पता होता कि प्रॉपर किस एज में ये ब्रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दोस्तों वो जो मैं आपको एज बताऊँगा वो कन्फर्म एज है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम लवबर्ड जब लेकर के आते हैं तो काफ़ी दफ़ा देखा गया पट्ठे लेकर के आते हैं। और हम दोस्तों लवबर्ड जब लेने जाते हैं तो हम किन किन लवबर्डों को चूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। या तो आप ये लवबर्ड में ये ग्रीन फिशर लोगे, या फिर ये रोजी लोगे, या फिर ये लुटीनो, इन तीन में से एक म्यूटेशन आप लोगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि लवबर्ड जब हम लेकर के आते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको एक केज के अंदर छोड़ देते हैं। काफ़ी दफ़ा दोस्तों लवबर्ड्स के बंदे जब लेकर के आते हैं तो पट्ठे लेकर के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उम्र क्या एज होनी चाहिए उनकी ब्रीडिंग करने की। तो वो दोस्तों एज जो होनी चाहिए वो दोस्तों एज जो होनी चाहिए 11 मंथ, ठीक है। 11 मंथ में हम लवबर्ड से काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बर्ड जो रहते हैं। हमें दोस्तों जब भी लवबर्ड मार्केट से या कहीं से भी हम परचेज करके ला रहे हैं दोस्तों, 5 महीने के पट्टे हमको परचेज करके लानी चाहिए और दोस्तों उसके बाद में 6 महीने उसे हमें खुद से खिलाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है उसके 11 महीने हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से वो ब्रीडिंग करेंगे। और प्रॉपर एज जो होती है, चाहे रोजी लवबर्ड हो, चाहे लुटीनो हो, चाहे ग्रीन फिशर हो, चाहे रिंग वाली म्यूटेशन हो, चाहे नॉन रिंग वाली म्यूटेशन हो, हमारे बर्ड जो है 11 मंथ में अच्छे से ब्रीडिंग करने लग जाते हैं। और दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी मैंने खुद से, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने लवबर्ड भी रखे हुए थे, वो मैंने अपने फ्रेंड को अभी जो है दे दिए हैं, उनसे वापसी में बहुत जल्द ले लूँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लवबर्ड जब भी ब्रीड करेगा वो 11 मंथ में काफ़ी अच्छी ब्रीड करेगा। 11 मंथ के बाद में हमको उसकी मटकी लगा देनी चाहिए और उसके बाद में हमको जो करना है कुछ ऐसा है कि 11 मंथ के बाद में जब उनकी लवबर्ड की मटकी लगा देंगे फिर उसके बाद में नेस्टिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है वो हमको कर देना है, ठीक है ना। पर दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि लवबर्ड जो ब्रीडिंग करता है वो 11 मंथ में करता है और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेगा और सक्सेसफुल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 11 मंथ और कम से कम महीने जो लगेंगे वो दोस्तों 10 महीने और 11 महीने, इन दो 10 या 11 महीने में लवबर्ड जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करता है। मैंने खुद दोस्तों अपने पास किया है और खुद अजमाया है। दोस्तों आप लोग अब कहोगे कि आपके पास तो लवबर्ड है नहीं, पर दोस्तों मेरे फ्रेंड के पास में लवबर्ड का सेटअप लगा हुआ है। मुबारक भाई, मैंने आप लोगों को उनका सेटअप विजिट कराया था। अब दोस्तों मैं आपको उनका सेटअप दोबारा से विजिट कराऊँगा, बजरी भी दिखाऊंगा, उनके लवबर्ड भी दिखाऊंगा बहुत जल्द। पर दोस्तों मैं आपको, आप लोगों से बता दूं, जिन भाइयों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।